हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चंस आज के सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट आपके लिए होता है। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक क्वेश्चन देखते हुए आगे बढ़िएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक नंबर से आपका सिलेक्शन रुकता है। तो कैसा लगता है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल हैं। सभी चैप्टर का एक एक करके थ्योरी सेशन मैंने अपलोड किया हुआ है। सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट है। एंड दोस्तों, चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस भी मैंने कराया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। एंड 79-80 वीडियो बीपीएससी टीआई 2 में मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रैक्टिस चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर का कराया हुआ है। उसको जाकर जरूर देखिए। और मैं डेली बेसिस प्रैक्टिस 2024 के बैच का करा रही हूँ, जिसमें से 59वां वीडियो है। सभी वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं आज की प्रैक्टिस की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है, इननॉमिनेट बोन के निचले भाग को क्या कहते हैं। इननॉमिनेट बोन यानी जो गुल्ले की हड्डी होती है, वो तीन हड्डियों से मिलकर बनी होती है, इलियम, इस्टियम एंड प्यूबिक। जो इलियम होती है सबसे ऊपर वाला भाग होती है, नीचे वाले भाग को इस्टियम कहते हैं एंड बगल वाले राइट साइड को प्यूबिक बोला जाता है। तो यहाँ भी इननॉमिनेट बोन के नीचे भाग को हम कहते हैं इस्टियम। ठीक है, राइट आंसर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमरस का सिरा कंधे के किस जोड़ में जाकर फंसता है। जो हमारी आर्म यानी बांह की हड्डी होती है ह्यूमरस, और किससे जाके कंधे की किस जोड़ में जाकर के फंसती है, तो ग्लेनॉइड गड्ढा होता है। कंधे जो जिसमें जुड़ा होता है उसको ग्लेनॉइड कैविटी कहते हैं। तो ग्लेनॉइड गड्ढे में जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार रेसिंग की कारों में किस सिद्धांत पर आधारित ब्रेक सिस्टम लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, जो मोटर कार होते हैं उसमें जो ब्रेक सिस्टम होता है, जैसे कि आप जो भी ब्रेक मारते हैं आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, ये बार्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, किस पर सिद्धांत पर, बार्नौली के प्रिंसिपल यानी सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है, एक मानक टेस्ट के लिए क्या अनिवार्य होना चाहिए। तो दोस्तों, एक मानक टेस्ट के लिए मैंने आपको बताया हुआ था कि तीन चीजें अनिवार्य होना चाहिए, साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी यानी वैज्ञानिक प्रमाणिकता, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिबिलिटी यानी प्रशासनिक व्यवहारिकता, एंड तीसरा शैक्षिक प्रयोग यानी एजुकेशनल एप्लीकेशन। इसमें से साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी यानी वैज्ञानिक प्रमाणिकता आपका आवश्यक होना चाहिए। इसमें साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी यानी वैज्ञानिक प्रमाणिकता के अंतर्गत रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड होते हैं, जिसको मैंने टेस्ट मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन में डिटेल में बताया हुआ है। वहाँ पे जाके इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, रूसो ने किसका सिद्धांत दिया है। ये भी फिलोसफर हैं। रूसो ने प्रकृतिवाद के प्रवर्तक हैं। तो प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म की इन्होंने सिद्धांत दिया हुआ है। एंड आदर्शवाद आइडियोलिज्म के प्लेटो, यथार्थवाद रियलिज्म के प्रवर्तक हैं अरस्तु, प्रयोगवाद प्रैग्मेटिज्म के या व्यवहारवाद के प्रवर्तक हैं जॉन डीवी। नेक्स्ट है, 100 मीटर की दौड़ बैठकर शुरू की जाती है, इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इस स्थिति को क्या कहते हैं, क्राउच स्टार्ट बोलते हैं। इसे बैठकर स्टार्ट किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, स्टार्ट दो प्रकार का होता है, सीटिंग स्टार्ट जिसे क्राउच या स्टार्ट या बैठकर स्टार्ट बोलते हैं, दूसरा होता है स्टैंडिंग स्टार्ट। सीटिंग स्टार्ट यानी जो क्राउच स्टार्ट होता है, बैठकर स्टार्ट किया जाता है, वो स्प्रिंट दौड़ो जैसे कि 100, 200, 400 मीटर दौड़ एंड 4x100 मीटर एंड 4x400 मीटर रिले रेस में होता है। ये क्राउच स्टार्ट तीन प्रकार के होते हैं, बंच बुलेट स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट एंड एलोंगेटेड स्टार्ट। दूसरा होता है स्टैंडिंग स्टार्ट, खड़े होकर स्टार्ट।
ये मध्यम दूरी की दौड़ों और लंबी दूरी की दौड़ों में होता है, जैसे 800, 1500, 3000, 5000, 10000 मीटर रेस में। एक बात याद रखिएगा कि 100 मीटर की रेस में स्टार्टिंग लाइन शामिल होती है बट फिनिशिंग लाइन बाहर होती है, इसमें जुड़ा नहीं जाता। एंड कमांड की बात करें तो जो क्राउच स्टार्ट होती है, स्प्रिंट दौड़ होते हैं, इसमें तीन कमांड होते हैं, आनियोरमास, सेट एंड गो। और जो स्टैंडिंग स्टार्ट होती है मध्यम या लंबी दूरी की दौड़ों, उसकी दो कमांड होती है, आनियोरमास एंड गनफायर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कूद स्पर्धाओं को दो भागों में कैसे बांटा जा सकता है। तो कूद स्पर्धाओं में वर्टिकल जंप एंड हॉरिजॉन्टल जंप दो प्रकार में बांटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट दोस्तों, ओलंपिक के छल्ले में पीला रंग किसको प्रदर्शित करता है। आपको पता ही है कि ओलंपिक के छल्ले पांच रंगों के पांच छल्ले होते हैं, जो पांच महाद्वीपों के प्रतीक होते हैं। तो उसमें से पांच छल्ले पांच रंग नीला, पीला, काला, हरा एंड लाल पांच होते हैं, जिसमें से नीला यूरोप महाद्वीप के प्रतीक, पीला एशिया महाद्वीप के प्रतीक, काला अफ्रीका महाद्वीप के प्रतीक, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक और लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक। यहाँ पे पीला रंग किसको प्रदर्शित करता है, तो एशिया कंट्री को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो एशिया कॉन्टिनेंट को, कॉन्टिनेंट दोस्तों महाद्वीप है, एशिया कॉन्टिनेंट को प्रदर्शित कर दिया है, करता है। तो ये पांचों रंग, पांचों छल्ले पांच महाद्वीप के, यानी कि दुनिया की एकता को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, सोशल थ्योरी के प्रतिपादक कौन है। दोस्तों सोशल थ्योरी के प्रतिपादक है एरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु। ठीक है, अरस्तु को ही एरिस्टोटल बोला जाता है, याद रखिएगा। कभी कभी अरस्तु ना देकर के एरिस्टोटल दे देगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कि अरस्तु ने सोशल थ्योरी दिया एंड इन्होंने रेचन विरेचन धारा यानी कैथेटिक थ्योरी भी दिया हुआ है एंड खेल ही जीवन है धारा, प्ले इज लाइफ थ्योरी दिया है जॉन डेवी ने, मनोविश्लेषण धारा साइको एनालिटिक थ्योरी सिगमंड फ्रायड ने, इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी यानी सहज प्रवृत्ति धारा मैकडूगल ने, अतिरिक्त शक्ति यानी सरपल्स एनर्जी थ्योरी दिया है हर्बर्ट स्पेंसर एंड सीलर ने, भविष्यदर्शी धारा यानी एंटीसिपेटरी थ्योरी कार्ल ग्रुस ने दिया है, मनोरंजनात्मक धारा यानी कि रिक्रिएशनल थ्योरी दिया है लॉर्ड केम्स एंड जी डब्ल्यू पैट्रिक ने, पुनः अवलोकन धारा यानी रिकैपिटुलेटरी थ्योरी दिया है जी स्टैनली हॉल ने। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी यानी कि लार्जेस्ट मसल्स कौन है। तो दोस्तों आप सबको पता है हमारे कुल्ले की हड्डी मसल्स जो होती है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी मसल्स होती है यानी लार्जेस्ट होती है, लॉन्गेस्ट यानी लंबी मसल्स होती है शरीर की सार्टोरियस जांघ की, सार्टेस यानी सबसे छोटी मसल्स होती है हमारे कान की स्टेपीडियस, एंड स्ट्रांगेस्ट स्ट्रांगर मसल्स यानी मजबूत मसल्स होती है सबसे हमारे निचले जबड़े की मसेटर मसल्स। इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, प्राचीन कालीन ओलंपिक में उद्घोषक जो अनाउंसर होता था उसको क्या कहा जाता था। तो दोस्तों उसको स्पोंडोफोरी कहा जाता था। क्या बोला जाता था, स्पोंडोफोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा कवि था जो विजेताओं के नाम से कविताएं प्राचीन कालीन ओलंपिक में गाया करता था। तो दोस्तों जो भी प्राचीन कालीन ओलंपिक में विजेता होते थे उनके नाम से कविताएं गाया करता था प्राचीन काल में, उसको पिंडार कहा जाता था, पिंडार नाम का कवि होता था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ओलंपिक में पूर्ण सोने के पदक दिए गए थे। तो दोस्तों सबसे पहले विजेताओं को गोल्ड दिए गए 1904 सेंट लुइस में ओलंपिक में, लेकिन ओलंपिक में ठोस स्वर्ण पदक आखिरी बार दिए गए यानी कि प्रथम बार दिए गए पूर्ण सोने के पदक तो 1912 स्टॉकहोम ओलंपिक में।
1912 स्टॉकहोम ओलंपिक में। जैसा कि दोस्तों जो स्वर्ण पदक दिया जाता है वो आपके 6 ग्राम सोने से मढ़ा हुआ और कम से कम 92.5% चांदी से मढ़ा हुआ होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी तैयारी 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाले यानी जेवलिन द्वारा तय किए गए रास्ते को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको पैराबोलिक बोला या ट्रेजेक्टरी पथ बोलते हैं, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, किसी भी वस्तु को भाले कोई या शॉर्ट पुट हो गया एंड डिस्कस हो गया, किसी भी चीज को फेंकेंगे तो तय किए गए रास्ते को ट्रेजेक्टरी पथ या पैराबोला ही कहेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बल गुणे विस्थापन क्या कहलाएगा? तो दोस्तों फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, इसे हम वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्क, ये आपके बायोमैकेनिक्स का भाग है। तो वर्क, वर्क यानी कार्य क्या होता है साइंस में, फिजिक्स में, कि बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन को ही हम कहते हैं वर्क। नेक्स्ट दोस्तों, हमारे शरीर में श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेशन, पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को कौन नियंत्रित करता है? दोस्तों इन सभी जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है हमारे हिंड ब्रेन यानी पश्च ब्रेन में स्थित मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। कौन करता है? मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। दोस्तों मेडुला ऑब्लॉन्गेटा जो होता है उन जैविक कार्यों यानी वाइटल फंक्शंस को नियंत्रित करता है जिन पर हमारी इच्छाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सो रहे हैं, उठ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो क्रिया अपने आप हो रही है। जैसे कि पाचन तंत्र के आंतों में जो क्रमांकुचन की गति होती है, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट रेट, श्वसन क्रिया आदि सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमी मेम्ब्रेनियस मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों यह जांघ के पीछे पाई जाती है, हैमस्ट्रिंग मसल्स का भाग है। जैसे कि सेमी मेम्ब्रेनियस जो होता है ये हैमस्ट्रिंग मसल्स का भाग है, और जो हैमस्ट्रिंग मसल्स होता है वो पिछले जांघ की मांसपेशी है जो 3 मसल से मिलकर बना होता है, सेमी मेम्ब्रेनियस, सेमी टेंडेनियस एंड बाइसेप्स फेमोरिस। ये तीनों को मिलाकर हैमस्ट्रिंग मसल्स कहते हैं, और यह घुटने को मोड़ने में काम आती है। तो इन तीनों में से जो भी, चाहे हैमस्ट्रिंग मसल्स नाम दे, चाहे सेमी मेम्ब्रेनियस, चाहे सेमी टेंडेनियस, चाहे बाइसेप्स मसल्स, अगर पूछे कि इसका क्या कार्य है तो घुटने को मोड़ने का काम करती है। और जांघ के सीधे ऊपर सामने क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती है जो 4 मांसपेशियों से मिलकर बना होता है, जो रेक्टस फेमोरिस एंड रेक्टस फेमोरिस मिलकर बना होता है। इन चारों को मिलाकर क्वाड्रिसेप्स मसल्स बोला जाता है। ये जांघ को फैलाने और कुल्हे को मोड़ने में काम आती है, याद रखिएगा, घुटने को फैलाने और कुल्हे को मोड़ने में काम आती है क्वाड्रिसेप्स मसल्स। जो हैमस्ट्रिंग मसल्स के ग्रुप के जितनी पेशियां होती हैं वो घुटने को मोड़ने के काम आती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इनवर्ड रोटेशन शरीर के किस जोड़ द्वारा किया जाता है? तो रोटेशन का नाम आया तो आप हमेशा शोल्डर पर ही चले जाइएगा, क्योंकि शोल्डर एक ऐसा है जिसमें चारों दिशाओं में गति होता है, 180 डिग्री तक इसमें ऊपर उठाया जा सकता है और ये 180 डिग्री तक घूम सकता है। तो ये आपका रोटेशन, इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों रोटेशन में आपका शोल्डर ज्वाइंट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, शोल्डर ज्वाइंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, इंटेलिजेंस क्वेटेंट आईक्यू का सूत्र सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया आपका अल्फ्रेड बीने के द्वारा, बट इसका जो ऑथेंटिक जो सूत्र है एम ए बटा सी ए गुणे सौ, इसको दिया था टर्मेन ने। नेक्स्ट है, दांतों को देखकर कौन सी उम्र बताई जा सकती है? बताइए दोस्तों, क्रोनोलॉजिकल एज की, मेंटल एज की, फिजियोलॉजिकल एज की, एनाटॉमिकल एज। दांत क्या है? हमारे शरीर की संरचना के अंतर्गत आता है,
यानी कि एनाटॉमिकल एज को बताता है, ठीक है। तो दांतों के देखकर कौन सी एज की उम्र का पता लगाया जा सकता है, तो एनाटॉमिकल एज का, ठीक है। जैसे कि आपको कई बार मैंने बताया हुआ है कि मनोविज्ञान तथा शरीर रचना विज्ञान के आधार पर मनुष्य की आयु को ज्ञात करने की चार विधियां हैं। क्रोनोलॉजिकल एज यानी कालक्रम आयु, जो हम स्कूल और सभी चीज़ों में यूज करते हैं, जैसे कि उसका डेट ऑफ बर्थ है 10/6/1992, एक प्रकार का जो है यानी कि जो कालक्रम आयु क्रोनोलॉजिकल एज होता है वो जन्म से लेकर वर्षों महीनों दिनों में मापा जाता है, जिसे कैलेंडर आयु के नाम से भी जाना जाता है, जिसे स्कूल एज मार्कशीट एज के भी नाम से जाना जाता है, जैसे 12/5/1972, ठीक है। और दूसरा होता है एनाटॉमिकल एज, जिसमें शरीर की रचना आयु के आधार पर इसमें दांतों की गणना करके और अंगों की पूर्ण विकास हड्डियों की परिपक्वता के आधार पर किया जाता है, जैसे कि दांतों की गणना करके और स्केपुला अस्थि के आधार पर किया जाता है, और इसमें एज की गणना के लिए जो दाएं हाथ की रेडियल बोन होती है उसका प्रयोग किया जाता है आयु ज्ञात करने के लिए, इसलिए दाएं हाथ के रेडियल बोन को एक्सरे एज के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा होता है फिजियोलॉजिकल एज, यानी कि दैहिक आयु या शारीरिक क्रियात्मक आयु, जिसमें जो हार्मोनल चेंजेज होते हैं युवावस्था में उसके आधार पर लड़के लड़कियों की आयु ज्ञात की जाती है। चौथा होता है मेंटल एज यानी मानसिक आयु, जिसको परीक्षा के लिए सूत्र बनाया गया है, उसमें हम बालकों की इसे उसकी आयु के अनुसार कार्यों की अपेक्षा करते हैं, और जिसका सूत्र बनाया गया है बुद्धिलब्धि यानी कि IQ इंटेलिजेंस क्वेटेंट मानसिक आयु बटे कालक्रमिक आयु यानी मेंटल एज अपन क्रोनोलॉजिकल एज गुणे 100। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है NSNIS पटियाला की स्थापना कब हुई, यानी नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट 7 मई 1961 को इसका स्थापना किया गया। नेक्स्ट है एक धावक के जूते के नीचे कीलें यानी स्पाइक्स क्यों होती हैं, तो दोस्तों आपको पता ही है क्यों होती है, अगर आपका चप्पल या जूता घिस जाता है आप फिसल के गिर जाते हैं, यानी कि घर्षण बढ़ाने के लिए किसके लिए प्रयोग किया जाता है कील्स यानी स्पाइक्स, घर्षण बढ़ाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर राइट हो जाएगा, फॉर फ्रिक्शन यानी कि घर्षण के लिए, फ्रिक्शन मतलब घर्षण होता है, याद रखिएगा दोस्तों। जैसे कि आपके जूते जो स्पाइक्स होते हैं कील होते हैं उसको घर्षण बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, बट ट्रैक एंड फील्ड में जूते में ज्यादा से ज्यादा कितने स्पाइक्स यानी कील होते हैं ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो 11 होते हैं, याद रखिएगा। ट्रैक एंड फील्ड में जूते में ज्यादा से ज्यादा कितने स्पाइक्स यानी कील होते हैं, 11। और जो सिंथेटिक ट्रैक होता है उस पर ऊंची कूद या जेवलिन को छोड़कर अन्य स्पर्धा के लिए इस जूतों की स्पाइक्स यानी कील की ज्यादा से ज्यादा लंबाई जो है 9 mm यानी मिलीमीटर होती है, और ऊंची कूद जेवलिन थ्रो में जूतों की जो कील की लंबाई होती है वो 12 mm होती है। जो नॉन सिंथेटिक ट्रैक होता है उसमें सभी स्पर्धाओं के लिए जूतों की जो कील होती है उसकी लंबाई 25 mm होती है। नेक्स्ट दोस्तों, बर्साइटिस नामक चोट शरीर के किस अंग से संबंधित है, तो दोस्तों यह ज्वाइंट जोड़ के आसपास की चोटें हैं, जो ब्रूसा नामक जो टेंडन होते हैं वहां पे चोट हो जाता है, उसे हम बर्साइटिस नामक चोट कहते हैं, ठीक है, यानी कि चल संधि के पास की चोट को ज्वाइंट इंजरी एट मूवेबल ज्वाइंट यानी कि ब्रसाइटिस कहा जाता है। एक बात याद रखिएगा, ब्रसाइटिस जो है ज्वाइंट की चोट है। नेक्स्ट दोस्तों, कोलेकैल्सिफेरॉल किस विटामिन को कहा जाता है, तो दोस्तों विटामिन डी में ज्यादातर महत्वपूर्ण है D2, D3, विटामिन D2 एंड विटामिन D3। विटामिन D2 को अर्गोकैल्सिफेरॉल एंड विटामिन D3 को कोलेकैल्सिफेरॉल बोला जाता है, यहाँ पे D3 आपका राइट है। जो D3 होता है सूर्य के सीधे प्रकाश से प्राप्त होता है, जिसमें रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस एंड type 2 diabetes रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, कॉफी में कौन सा रसायन पाया जाता है, तो दोस्तों कॉफी में कौन सा रसायन पाया जाता है, कैफीन, क्या पाया जाता है, कैफीन। नेक्स्ट
नेक्स्ट है, महिला वॉलीबॉल के राष्ट्रीय ट्रॉफी का नाम क्या है? तो दोस्तों महिला वॉलीबॉल का राष्ट्रीय ट्रॉफी का नाम है पोडिमोन ट्रॉफी। ठीक है, यहाँ पे लेडी रतन टाटा आपका हॉकी में हो जाएगा। नेक्स्ट है दूसरा एशियन खेल, पहला आप सबको पता है 1951 नई दिल्ली में संपन्न हुआ था, तो दूसरा एशियन खेल 1954 में आयोजित हुआ। इसे 1951 के बाद 3 वर्ष बाद क्यों आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसको 3 वर्ष बाद क्यों आयोजित किया गया? क्योंकि ड्यू टू द डेट, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, लॉक ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बाय इंडिया, यानी कि इंडिया भारत यानी भारत देश की जो तैयारी थी वो नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट है फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों चार्ल्स ए बूचर। कौन है? चार्ल्स ए बूचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, 100% आ सकता है। चार्ल्स ए बूचर की जो पुस्तक है फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, इस पुस्तक को शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन का बाइबिल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है के पार्क किस चर्चित किताब के लेखक हैं? जो के पार्क हैं वो किस चर्चित किताब के लेखक हैं? तो ये हैं आपके प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन जो हेल्थ एजुकेशन से संबंधित बुक है। नेक्स्ट दोस्तों पश्चिम बंगाल में पहला शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह बानीपुर में स्थापित किया गया था 1932 में, बानीपुर। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में है। नेक्स्ट है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आप सबको पता है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है वह बेसबॉल है। नेक्स्ट है एक हाथ में कितनी फ्लैंजियस यानी कि उंगलियां होती हैं? तो 14 उंगलियां नहीं दोस्तों, 5 उंगलियां होती हैं और सभी उंगलियों में 4 हड्डी, 4 12 हो गया, अंगूठे में 2 हड्डी होती हैं यानी 14, कुल 14 फ्लैंजियस यानी कि हड्डियां होती हैं उंगलियों में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अंधेरे से अचानक उजाले में आने पर आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है फिर धीरे धीरे उजाला होता है, इस किस प्रोटीन के कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है आपके रेडोक्सिन प्रोटीन के कारण। जैसे कि हमारे आंखों में 2 सेल होते हैं, रोड सेल एंड कोन सेल। जो रोड सेल होता है वो अंधेरे में एक्टिव रहता है, अंधेरे में वस्तुओं को पहचानने में मदद करता है यानी अंधेरे उजाले में फर्क बताता है, उसमें जो रेडोक्सिन लेयर होता है वही इसको बताता है। और जो कोन सेल होता है वो प्रकाश में वस्तुओं के रंगों को बताता है, ठीक है कि किस रंग के वस्तु हैं। तो दोस्तों जब अंधेरे में हम होते हैं तो वहाँ पे रोड सेल एक्टिव होता है, रोड सेल पर जो रेडोक्सिन लेयर होता है वो एक्टिव रहता है। जैसे ही हम अंधेरे से उजाले में आते हैं तो हमारा हम आंखें सामने अंधेरा सा छा जाता है, क्योंकि उस समय जो रेडोक्सिन होती है वो जो कोन सेल होता है उसके एक्टिव होने में थोड़ा टाइम लगता है। जब तक वो रेडोक्सिन लेयर कोन सेल एक्टिव होता है जितना समय लगता है उतना समय तक हमें अंधकार सा दिखाई देता है, लगता है जैसे चक्कर आकर के गिर जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे शरीर में तैयार ऊर्जा का स्रोत किसे कहा जाता है? आप सबको पता है जो हमारे हम भोजन करते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हम खाए ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ शरीर में जा करके, वही ग्लूकोज हमारे कोशिकाओं में गया और कोशिकाओं में जाने के बाद
जो हम सांस लेते हैं उसमें से जो ऑक्सीजन होता है, जो आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल्स, उसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को लेकर के कोशिकाओं तक पहुंचा देता है, यानी ऑक्सीजन के संवहन का काम करता है, और वहाँ पे आपके माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोशिकीय श्वसन के द्वारा कोशिका में पहुँचा देता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में एरोबिक रिस्पायरेशन यानी कोशिकीय श्वसन के द्वारा एटीपी में कन्वर्ट करता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और जहाँ जहाँ शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहाँ उसे भेजता है। इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। यहाँ पे हमारे शरीर में तैयार ऊर्जा का स्रोत किसे कहा जाता है, तो एटीपी को कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, वेलोड्रोम किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वेलोड्रोम जो होता है वो साइकिलिंग ट्रैक को कहा जाता है, यानी साइकिलिंग खेल के मैदान को या ग्राउंड को या ट्रैक को वेलोड्रोम कहा जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में हड्डियां कितने प्रकार की पाई जाती हैं? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में आकार आकृति के आधार पर 5 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं, जैसा कि मैंने आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक एक वीडियो आपको मिल जाएगा। वो 5 प्रकार की हड्डियां होती हैं, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, सिसमोइड बोन। लॉन्ग बोन जो लंबी हड्डियां जैसे हाथ पांव की हड्डियां होती हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, टिबिया, फिबुला, जो लीवर का काम करती हैं, जिसके अंदर खोखला भाग होता है जिसे हैवेसियन नाल कहते हैं, जिसके अंदर अस्थि मज्जा होता है जिसमें आरबीसी का और निर्माण होता है, रक्त का निर्माण होता है। और दूसरा होता है शॉर्ट बोन जो छोटे छोटे हड्डियां होती है जैसे कार्पल और टार्सल बोन। और तीसरा होता है फ्लैट बोन जहाँ सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जैसे हमारा कपाल यानी स्कल की एंड पसलिया और इसके पुला। चौथा होता है इरेगुलर बोन, अनियमित हड्डियाँ जैसे हमारे चेहरे की हड्डियाँ एंड कुछ रीढ़ की हड्डियाँ, ठीक है, रीढ़ की हड्डियाँ चेहरे की इरेगुलर बोन में आती हैं। पाँचवा होता है सिसमोइड बोन जिसे कंड्राथिया भी बोलते हैं, क्योंकि जोड़ों के आसपास कंड्रा में विकसित होने वाली जोड़ों के आसपास होती है, जैसे कि हमारा घुटने का जो हड्डी होती है पटेला, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का संवहन कौन करता है? तो वेरी इजी क्वेश्चन, आपने कई बार सुना है इसको, हीमोग्लोबिन जो है रक्त में ऑक्सीजन का संवहन करती है। नेक्स्ट दोस्तों, पल्स प्रेशर किसे कहते हैं? तो पल्स प्रेशर किसे कहते हैं दोस्तों, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के अंतर को हम क्या कहते हैं, पल्स प्रेशर कहते हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डिफरेंट बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पसलियां कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों हमारे मनुष्य के शरीर में जो पसलियां होती हैं वो ट्रू रिफ्स एंड फॉल्स रिफ्स होती हैं, यानी टू टाइप्स के होते हैं। ट्रू रिफ्स में 7 पसलियां होती हैं जो प्रत्येक अलग अलग रोस्थी यानी कि स्टर्नम से मोटी हड्डी से जुड़ी होती हैं। फॉल्स रिफ्स 5 होती हैं जिसमें से 8वीं, 9वीं या 10वीं स्टर्नम से जुड़ने से पहले आपस में जुड़ करके स्टर्नम से जुड़ती हैं, और 11वीं 12वीं जो बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं इसको फ्लोटिंग लिप्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म के लिए कार्य करती है? तो शरीर की सभी प्रकार के उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है थायराइड ग्लैंड। कौन करता है? थायराइड ग्लैंड्स, थायराइड दोस्तों, थाइमस नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, एसोसिएट स्कल बोन शरीर के किस भाग की हड्डी है? तो एसोसिएट स्कल बोन जो है मिडल ईयर बोन है, कान के मध्य भाग में जो स्थित होती है 3 हड्डियां, मिस यानी कि मैलिस, इनकस, स्टेपस, उसको हम कहते हैं एसोसिएट स्कल बोन। नेक्स्ट है, टंग बोन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हायर बोन जो हमारे कंठ पर स्थित होती है गले में, उसको
टंग बोन भी कहा जाता है। यह एकमात्र ऐसी हड्डी होती है जो किसी अन्य हड्डी से जुड़ी नहीं होती है। नेक्स्ट है इनोमिनेट बोन के कितने, इनोमिनेट बोन के तीन भागों के नाम क्या हैं? इनोमिनेट यानी जो कुल्ले की हड्डी होती है उसको इनोमिनेट बोन बोलते हैं। और ये कितने भाग है, कितने हड्डियों से मिलकर बनी होती है? तो जो इनोमिनेट बोन यानी कुल्ले की हड्डी होती है तीन हड्डियों से मिलकर बनी होती है, इलियम, इसिमियन एंड प्यूबिक। और तीनों मिलकर इनोमिनेट बोन यानी हिप बनाती है। नेक्स्ट है 2010 राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन किस स्टेडियम में किया गया था? तो 2010 का राष्ट्रमंडल खेल भारत में ही संपन्न हुआ था। यह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में कितने कारक होते हैं? तो हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस एंड मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस दोनों में पांच पांच कारक होते हैं। फिजिकल फिटनेस को दो भागों में बांटा गया है, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस एंड मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में पांच कारक आते हैं, जैसे मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन। एंड मोटर स्किल रिलेटेड में स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी होती है। नेक्स्ट दोस्तों, लैम्बोयड सूचर तीन हड्डियों के मध्य पाया जाता है। तो खोपड़ी की जोड़ को हम सूचर कहते हैं, जो अचल संधि के अंतर्गत आता है। आज इसमें तीन सूचर होते हैं खोपड़ी की जोड़ में, सेजिटल सूचर, क्रोनल सूचर एंड लैम्बोयड सूचर। तो यहाँ पे लैम्बोयड सूचर की बात कहा है, तो लैम्बोयड सूचर जो है पैराइटल हड्डी से जुड़ा होता है, जहाँ से ऑसिपिटल हड्डी जुड़ी रहती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका लैम्बोयड सूचर का ऑसिपिटल पैराइटल, यानी आसन नंबर ग आपका राइट हो जाएगा। लैम्बोयड सूचर किन हड्डियों के मध्य पाया जाता है? तो ऑसिपिटल और पैराइटल हड्डियों के बीच पाया जाता है, ठीक है। एंड सबसे बड़ा सूचर होता है सेजिटल सूचर, जो पैराइटल हड्डी का जोड़ होता है। और दूसरा होता है क्रोनल सूचर, जो फ्रंटल हड्डी का जोड़ होता है। और अचल संधि के अंतर्गत हमारा जो दांतों का जोड़ होता है, गोम्फोसिस पेग एंड सैकल ज्वाइंट भी कहते हैं, वो भी आता है। और एक सिंडेमोसिस होता है, जो टिबिया एंटीरियर टिबिया फिबुला ज्वाइंट होता है, वो भी आता है। एंड सैक्रोइलियक जोड़, जो सैक्रम हड्डी का बाहरी भाग होता है, कुल्हे में स्थित इलियक हड्डी से जुड़ा हुआ, वो भी आपका आता है। नेक्स्ट है पैर, एक पैर में कितनी मेटाकार्पल बोन होती हैं? तो दोस्तों, हाथों में मेटाटार्सल भी पांच होती हैं और पैर में मेटाटार्सल भी पांच होती हैं, ठीक है। कितनी होती हैं? पांच। लेकिन आपको याद रखना है कि हाथों की जो कलाई होती है, कार्पल हड्डियां आठ होती हैं, जबकि जो पैर की टखना होता है टार्सल, उसमें सात ही होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, बनाना किक का संबंध किस खेल से है? तो किक शब्द आए हमेशा पैर से माना जाता है, तो वहां पे आपको बनाना किक का संबंध हमेशा फुटबॉल से आपका है। नेक्स्ट है दोस्तों, फ्लिक का संबंध किस खेल से है? तो फ्लिक का संबंध जो है बैडमिंटन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है दोस्तों, रिसीडिंग का संबंध किस खेल से है? तो रिसीडिंग का संबंध खो खो से है। खो खो में सेंट्रल लेन के अतिरिक्त पैरों को पीछे लाना रिसीडिंग कहलाता है, जो कि फाउल है। तो दोस्तों, ये था आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे अन्य लोगों तक वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों, डेली बेसिस इस तरह आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।